फ्रेंड्स, सरसीआई कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फोल्डर का कलर कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जो है हमेशा देखते हैं कि फोल्डर का कलर जो होता है येलो ही होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फोल्डर का कलर जो हम लोग रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं, पिंक भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह, मतलब कि बहुत सारा व्हाइट ब्लैक वगैरह हम लोग फोल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक्स है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि हम लोग फोल्डर का कलर कैसे चेंज किया जाता है। दोस्तों, तो चलिए मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले एक मैं आपको यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करके यहाँ से मैं एक फोल्डर बना दिया। ओके, अब इस फोल्डर के अंदर मैं जो है क्लिक किया और यहाँ पे मैं जो है 2 से 3 या 4-5 फोल्डर बना देता हूँ। तो आप जो है आपको यहाँ से राइट क्लिक करके जो है आप बना सकते हैं, न्यू पर जाकर फोल्डर पर क्लिक करके आप बना सकते हैं दोस्तों, या फिर आपको यहाँ पर क्लिक करके आप इस फोल्डर पर क्लिक करके यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको 2 या 3 मैं बना देता हूँ इस तरह से। ओके, जैसे कि 5 फोल्डर यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, बना दिया हूँ। ओके दोस्तों, और यहाँ से आपको साइज को जो है आपको लार्ज आइकन कर देते हैं। ओके, तो सिंपली तरीका से क्या करना है, आपको इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 5-6 फोल्डर बन चुका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद आपको फोल्डर का कलर चेंज करना है तो क्या करना होगा, तो इस फोल्डर वाले पर कर्सर ले जाना है। कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, चेंज फोल्डर आइकन। ओके, यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। जो भी कलर वगैरह देना है तो यहाँ पे आपको, जैसे कि मुझे रेड देना है तो आपको रेड पर सिंपली तरीका से क्लिक कर देना है। जैसे मैं रेड पर क्लिक किया तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेड हो चुका है। इसी तरह आपको सेकंड वाले पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको चेंज फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं ग्रीन देना चाहता हूँ तो ग्रीन पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ग्रीन हो चुका है ना, कितना मॉडिफाइड दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना, इसी तरह उसके बाद आपको चेंज फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसी तरह आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको चेंज फोल्डर आइकन पे क्लिक करना है। ब्लैक तो ब्लैक आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से इस तरह से जो है अपना फोल्डर का कलर वगैरह यहाँ से सिंपली तरीका से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने आपको 5 फोल्डर का कलर जो है अलग अलग कलर में चेंज कर दिया। ओके, अब बात आती है कि यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन कैसे लाया राइट क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे जो है चेंज फोल्डर आइकन पे मतलब ये ऑप्शन कैसे आया। ये ऑप्शन लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, डाउनलोड करना होगा। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड, क्या लिखना है, डाउनलोड फोल्डर कलर, क्या लिखना दोस्तों, फोल्डर कलर। उसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ जो देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाला लिंक पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड फोल्डर आइकन सॉफ्टवेयर। तो इस पे सिंपली तरीका से हम क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल जाएगा, और क्या करना है कि आपको ये डाउनलोड वाले बटन पे आपको सिंपली तरीका से ये जो डाउनलोड का बटन देख रहे हैं इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको बस जैसे राइट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है आइकन आ जाएगा, चेंज फोल्डर आइकन, और यहाँ से जो है आप सिंपली तरीका से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी ट्रिक्स है दोस्तों, तो ये आप जरूर करिए अपने कंप्यूटर में। नया नया ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को, RCI कंप्यूटर एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो आई होप वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, और कंप्यूटर फ्री में सीखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।